subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में उनके पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने रिया और उनके परिवार पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसमें ये भी बात शामिल है कि रिया ने ही सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया है। बता दें कि सुशांत और रिया रिलेशनशिप में थी। सुशांत के पिता के इस कदम के बाद से ही कंगना रनौत लगातार ट्वीट कर रही थी। उन्होंने अपने ट्वीट्स में ये भी कहा कि फिल्म और मीडिया माफिया के चलते उसे मानसिक परेशानियां होने लगी थी। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार ऐसा क्या वजह थी कि इतना टैलेंटेड एक्टर सबको छोड़कर केरल में खेती करना चाहता था। कंगना के डिजिटल टीम ने ट्वीट किया, 2019 में पूरे साल सुशांत ने किसी फिल्म की शूटिंग नहीं की थी। उसे फिल्म माफिया ने बायकॉट किया। उसके पिता बता रहे हैं कि वह सब कुछ छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। आखिर क्यों इतने बड़े पावर हाउस टैलेंटेड लड़के को अपना शानदार करियर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था? वो साइंस में भी अपना बेहतरीन करियर बना सकता था और खेती करनी ही थी, तो अब क्यों? इसके अलावा एक और ट्वीट में कंगना की डिजिटल टीम ने लिखा, उन्हें माफिया मीडिया का डर दिखाकर सुशांत को बुली किया। इतने ज़्यादा स्ट्रगल के चलते मानसिक परेशानियां होना लाजमी है। हॉलीवुड में तो अक्सर ऐसी परेशानियां बढ़ चढ़ कर बताते हैं। आखिर क्यों उसे ऐसा लगा है कि अपने खिलाफ चल रहे हेट कैंपेन से बेहतर मर जाना है? कंगना सुशांत सुसाइड मामले पर शुरू से ही अपनी राय देती है। उन्होंने इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। मुंबई पुलिस अब तक इंडस्ट्री के तकरीबन 40 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हाल ही में पुलिस ने धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता का भी बयान दर्ज किया था। वहीं सुशांत के पिता ने भी अपने बयान में कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे अपना जो बयान है वो बिहार पुलिस के सामने दर्ज करा रहे हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।